वालेकुम माई YouTube फैमिली, इट्स मी महक एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल महक वर्ल्ड। अच्छा जी, तो आज के दिन का आगाज़ हो चुका है और आप लोगों को सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। अभी अभी मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ, फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के कैट्स को खाना वगैरह दिया और फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद मैंने अब से स्टार्ट किया है ब्लॉग, तो देखते हैं आज का क्या प्रोग्राम है। वैसे आज हमारी दावत है, कहाँ है, मेरी खाला के घर पे, अनु के घर पे हमारी दावत है। हमेशा जब भी क्वेटा वाले आते तो वैसे भी वो मंथली मंथ या टू मंथ में हमारी दावत करती हैं, ऐसे गेट टुगेदर होता है। ऐसे अच्छा लगता है जब सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, कंपनी इंजॉय करते हैं सब। तो बस वहाँ की तैयारी है, अभी मैं जा रही हूँ अपने कपड़े प्रेस करने, बच्चों के कपड़े प्रेस करूँगी, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला निकलते हैं और फिर आपको कैच करते हैं। बन चुका है अभी बच्चों का ब्रेकफास्ट और ये मैंने जो फीड बनाई थी कैट्स की और ये मैं उनको दे चुकी हूँ। ये फीड बनाई हुई है कैट्स की, ये मैं कैट्स को खाना दे चुकी हूँ और मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के और फिर आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तक मैं काफ़ी बिजी जा रही हूँ, इस वजह से मैंने खाना नहीं बनाया है, बिकॉज घर में काफ़ी कुछ था पहले का रखा हुआ, इस वजह से मैंने खाना नहीं बनाया जी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ इस टाइम दावत पे जाने के लिए आनों के घर, और वहाँ जाके फिर आपको बताते हैं क्या क्या बनाए। वैसे वो बड़े मज़े मज़े की डिशेस बनाती हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने वही जो मामा ने मुझे गिफ्ट किया था ड्रेस, वही पहना है और ये दुपट्टा मैंने इसके साथ मैच किया, दुपट्टा नहीं था, टू पीस था, इस वजह से मैंने दुपट्टा इसके साथ मैच किया। और ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मेरा जो पुराना वाला मास्क था वो फेंक दिया मेरे बेटे ने नीचे, अब वो मैं यूज़ नहीं कर सकती, इस वजह से अब दूसरा लूँगी क्योंकि मुझे ये ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो फिर हम चलते हैं आनों के घर और फिर वहाँ जा के आपसे बात करते हैं, ठीक है। एज़ यूजल हम पहुँच चुके हैं अपनी खाला के घर और अभी ऊपर चढ़ रही हूँ, बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ऊपर और फिर जा के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, मिलते हैं आपको ऊपर जाके। मेरा आज का ओवरलुक और मैंने ट्यूलिप शलवार साथ और ये पूरी इसकी आयरन ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं घर से पहन के आई थी और मैं बैठी तो ये ख़राब हो गई। अभी हो रही है डिनर की तैयारी जो कि लवाजमात लग रहे हैं और आनू कर रही है काम, हम कर रहे हैं हेल्प और ये इतना दस्तरखान तो लग चुका है, बाकी सारी चीज़ें भी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर शेयर करते हैं आपके साथ क्या क्या डिशेज हैं क्या नहीं है और मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है। मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स बना रही हूँ क्योंकि कज़न्स के साथ बात करना है, मस्ती करना अलग ही मज़ा आता है। तो चलें फिर खाना जब लग जाएगा तो फिर आपसे बात करते हैं। तो अब हम निकलने लगे हैं और ये प्यारी सी जो चादर है, शॉल टाइप दुपट्टा है पर बहुत बड़ी सी है, ये मुझे मेरी मामा ने भेजा है, यूषा की मामा ने, और थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इस वजह से मेरी आंखें थोड़ी सूजी सूजी हैं, फिर घर जाके आपसे बात करते हैं। मोबाइल पे गया है सलीम के बच्चे, चलो भाई अल्लाह हाफिज सलीम, अल्लाह हाफिज। मैं भी जो अगले महीने जो है पहले पैराग्लाइडिंग के वो राइड लेने जाऊंगा ना, जो आसमान पे हेलीकॉप्टर होता है उसके फिर साथ चल के ना फिर बना लूंगा। डन हो गया ओके भाई अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो अब हम चल रहे अपने घर जाके। तो गाइस हो चुकी है रात और हो चुका है हमारे ब्लॉग का एंड, एंड आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते होते बची है, अल्लाह ताला ने हमें बचाया है, आप सबकी दुआ ने हमें बचाया है, थैंक यू सो मच फॉर, अल्लाह ताला ने हमें बचाया है और आप सब की, इतने प्यारे प्यारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की दुआओं ने हमें, मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को बचा लिया। हमारी बाइक के आगे एक डॉग आ गया था
छोटा सा पपी था वो, उसकी गलती नहीं थी वो, उसको क्या पता था, वो जानवर तो जानवर होता है ना, तो वो छोटा सा डॉगी था, वो भागते हुए आ रहा था, तो मैंने फ़ौरन से, जाहिर सी बात है, मैंने देखा तो मुझे मेरी चीख निकल गई, तो ना युषा ने बाइक रोकी एकदम से, और हम मैं मतलब बाइक से ना नीचे की तरफ उतर गई और घुटनों पे मैं गिर गई। वो अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरे घुटने थोड़े से छिल गए, तो मैं गिर गई, थोड़ा सा हल्का सा मेरे चोट लगी है, हल्की सी लगी, माइनर सी, इतनी ज़्यादा नहीं लगी, अल्लाह ताला ने हमें बड़े नुकसान से बचाया। और बस यही कहूँगी कि अपने आप को सेफ़ रखें, सेफली सफ़र करें, हर ट्रैवल पे आप सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ा करें, और अपने ऊपर हिसार करके घर से निकला करें। अल्लाह ताला वाहिद एक है जो हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है, अगर हम अपने ऊपर हिसार करके निकलें तो। काइंडली अपने ऊपर जब भी निकलें, आपके शौहर, आपके भाई, आपके बाप, आपकी माँ, जो भी घर से बाहर जा रहा है उन पर, कोई भी बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, तो आप हिसार करके फिर उनको घर से निकालें ताकि उनकी लाइफ डेंजर में ना आए। तो बस मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने उस छोटे से पपी को बचा लिया, और फिर मैंने उसको मतलब मैं उठा तो नहीं सकती थी हाथों से, क्योंकि मुझे मना है पपीज़ को हाथ लगाना, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, बट मेरे हस्बैंड ने फिर उस पपी को उठाया और फिर साइड में बिल्कुल जहाँ गार्डन था उधर छोड़ दिया, तो वो सेफ़ है बिल्कुल। अब मुझे इस चीज़ की खुशी है। चले भाई, तो हो रही है वीडियो लंबी, और आज का इतना कोई खास बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, और मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट प्लीज़ 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 मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, देखें आप मेरी वीडियोज़ ज़रूर देखेंगे, देखते हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दें और उसके साथ बेल आइकन दबा दें। कुछ भी नहीं होगा, मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी, आप मेरी वीडियोस देखेंगे। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, किसी की हेल्प करना सदका जारिया होता है, तो मेरी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड माई फादर, मदर्स, जितने भी मेरे माँ बाप के जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक मेरी मम्मा, मेरे बाबा जो मेरे इन लॉज हैं वो देख रहे हैं, मेरे पापा देखते हैं, मेरी मम्मा, मेरी जान जो के ऊपर हैं पर वो मुझे ज़रूर देख रही हैं, आई नो, वो उन सब की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। बस मैं चाहती हूँ आप लोगों का सपोर्ट भी मेरे साथ रहे। चलें फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।